एक बार एक गुरु और शिष्य नदी पार कर रहे होते हैं। तो गुरु एक तरीके से परीक्षा ले रहे होते हैं अपने शिष्य की। तो वहाँ पत्थर लगे होते हैं, जब वो नदी पार कर रहे होते हैं तो कतार में पत्थर होते हैं। तो सबसे पहले गुरु अपने शिष्य को कहते हैं कि आप इन पत्थरों से चलो। तो वो आराम से बड़े प्यार से नदी क्रॉस कर जाते हैं धीरे धीरे चलते हुए। ये फिर गुरु जी कहते हैं कि आप वापस जाओ, और अब जब आप अगले वाले पत्थर की तरफ जाओ ना, तो पीछे वाला पत्थर उठा लेना और उसके बाद चलना। तो शिष्य ने वो काम किया। तो जब उसने पीछे वाला पत्थर उठाया तो वो बार बार गिर जाते फिसल के। फिर उसके बाद उन्होंने कहा, चलो ठीक है, आप पीछे वाला पत्थर नहीं उठा पा रहे, कोई नहीं, आप आगे बढ़ो, और इस बार आपको आगे वाला पत्थर उठाना है, फिर चलना है। तो उन्होंने आगे वाला पत्थर उठाया, फिर वो गिर गए। तो उससे गुरु जी ने उन्हें एक बात बताई कि ऐसा ही हमारा जीवन होता है। अगर हम जीवन में अपने पास्ट के बोझ को या पास्ट के पत्थर को उठाते हैं तो हम प्रेजेंट में गिर जाते हैं, और ऐसे ही अगर हम फ्यूचर के बोझ को भी उठाएंगे कि हमारे जीवन में क्या होगा, कैसे चीज़ें चलेंगी, तब भी हम गिर जाएंगे। इसका मतलब साधारण सा ही गुरु जी उन्हें समझाना चाहते थे कि जीवन में ज़रूरी है कि आप प्रेजेंट में जिएं और अपनी ज़्यादातर एनर्जी अभी के जो काम है उसमें लगाएं, जिससे कि आपका जो पास्ट है वो बोझ ना बने, आपका फ्यूचर भी आपके ऊपर बोझ ना बने। क्योंकि कई बार अभी जैसा समाज हमारा है, खासकर युवाओं के साथ ये दिक्कत होती है कि उन्हें कई बार पास्ट के लिए भी गालियां खानी पड़ती हैं कि आपके उसमें इतने मार्क्स आए या इतने सारे आए या रिजल्ट अच्छा नहीं आया, और कई बार फ्यूचर के लिए भी कि तुम्हारे फ्यूचर का क्या होगा, कैसे शादी होगी, कैसे नौकरी होगी। तो उन सारे जीवन में उनका प्रेजेंट कहीं ना कहीं दब जाता है, और प्रेजेंट जब जब दब जाता है तो उनकी जो जीवन की असलियत है या जो खासियत है वो आगे नहीं आ पाती। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने प्रेजेंट में जिए, और गुरु शिष्य की जो परंपरा है उससे समझें कि कैसे हमें प्रेजेंट में जीना। पास्ट के बारे में सीखना जरूर चाहिए और फ्यूचर के बारे में विजन भी हमारा होना चाहिए, लेकिन वो इतना ज़्यादा हावी नहीं होना चाहिए जैसा कि यहाँ पे हावी हो गया, तो हम गिर जाएंगे, और हमें पत्थर उठाना नहीं है, जीवन को जी के चलना है।